devil in my way. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द फैमिली। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम एक्चुअली हमारे XUV 700 के साथ पहला रोड ट्रिप करने वाले हैं। एक्चुअली हम कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आदुनी तालुका तुंगभद्रा नदी के बाजू मंत्रालय में जा रहे हैं। बहुत जागृत मंदिर है, उसके बारे में आपको जाते जाते बताएंगे या वहाँ पे जाने के बाद बताएंगे। चलो चलते हैं, हमारा जर्नी शुरू करते हैं। हमारा जर्नी का शुरुआत पेट्रोल पंप से करते हैं। यहाँ पे हमारा गाड़ी फुल टैंक करा लेते हैं, नहीं तो भैया जर्नी तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, सुबह का टिफिन भी हो चुका है और फैमिली पीछे तो देख रहे हैं हम, और आगे भी हमारा तीन गाड़ी चल रहा है, दिखाते हैं हम। वो देखिए सामने तीन गाड़ी, रेड कलर एक वाला जा रहा है और उसके आगे व्हाइट कलर भी जा रहा है। ये ऑटो हमारा नहीं है। बोलना पड़ना है ब्रो, कुछ भी बोलो, 700 चलाने में बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। अंकल को बोल रहे थे कि 700 चलाएंगे क्या, उनका किया है, किया सेल्टोस, किया सेल्टोस भी अच्छा है गाड़ी, मगर 700 का ऐसा नहीं, 700। चलिए हम थोड़ा ड्राइविंग थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, आपको मंदिर में ले जाके एक बारी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर के बारे में थोड़ा हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं, जान लेते हैं। जितना नॉलेज मेरे पास है तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मंत्रालय में, जो आदुनी तालुका कर्नूल डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पे मंदिर के साइड में तुंगभद्रा नदी है। तो नदी के इस पर आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, नदी के उस पर कर्नाटका आ रहा है। कर्नाटका का जगह का नाम नंजुगूड बोल के जगह का नाम है। तो वहाँ पे गुरु जी थे, जो 17 नंबर वाला जो गुरु जी थे, राम राघवेंद्र स्वामी, उनके नाम पे ही वो बहुत पॉपुलर हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। क्योंकि जो स्वामी थे राघवेंद्र स्वामी, वो खुद ध्यान करते करते वहाँ पे सजीव समाधि किए थे। तो आज भी वहाँ पे सभी मानते हैं कि स्वामी आज भी जिंदा है, आज भी जो उनको प्रार्थना करते हैं वो होता है। तो उसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं। ये जो राघवेंद्र मठ वॉज फाउंडेड बाई विभुधेंद्र त्रिटा इन कुंभकोणम। सो अर्लियर द मठ वॉज नोन एज कुंभकोणम मठ और दक्षिणांधी मठ। ये मठ में मूल रामा का पूजा किया जाता है। और सामने देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे आज तक जितने भी गुरुदेव हैं उनका नाम स्क्रीन पे फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, हम मंत्रालय श्री राघवेंद्र स्वामी मठ पहुँच चुके हैं, तो अंदर चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मंत्रालय पहुँच गए। मंत्रालय का मतलब यहाँ का जो मठ है, और मठ का खासियत ये है कि जो भी जेंट्स है उनको शर्ट पहन के अंदर जाने का अलाव नहीं है, उनको बनियान या खाली गाँव और नीचे धोती पहन के जाना पड़ता है। हमारा अंकल पहना है, हमारा दूसरा अंकल पहना, हमारा भाई पहना, ऐसा पहन के जाना है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये हमारा फैमिली मेंबर्स जो आए हैं, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक गाड़ी है, और वो एक गाड़ी है, ये हमारा अंकल है। बहुत ही कॉमेडी कॉमेडी करते हैं। राघवेंद्र स्वामी चलो चलो चलो
में एक झलक ना, एक झलक ना। जी तो नाम भी बाबा एदा मां अंदर भगवान जी का सचिव समाधि की है, वो समाधि देख के आए हैं, वो आपको दिखाएंगे, स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, शांति मिला। यहाँ पे देखिए कितना आदमी दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से दर्शन करने का रास्ता वो सामने से है, वहाँ से जाते हैं दर्शन करने के लिए, एंटर होते हैं यहाँ से बाहर आ रहे हैं। आज क्लाइमेट भी बहुत अच्छा मिला। सिद्धार्थ का हालत देखो, तो सो गए तो फिर गए बोला हम घूमने चले चला किसी ने के चले। ये रहा मंदिर, मंदिर के ठीक पीछे तुंगभद्रा नदी, मगर अभी तो बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि पूरा सूख गया है। माता गंगा का फ्रेंड्स, दर्शन तो ठीक ठाक हो गया। देखिए हालत वही हालत में है, अभी कपड़ा पहनने लायक नहीं है, बाहर इतना गर्म है, एसी चला के भैया ऐसे बैठे हैं। अभी वापस जा रहे हैं घर, घर के लिए निकल रहे हैं। फिर से 125 किलोमीटर या 130 किलोमीटर शायद यहाँ पे, तो बाहर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, देखते हैं क्या खाने के लिए मिलता है। आज तो वेज ही खाना पड़ेगा, मंदिर आए थे तो वेज खाते हैं और फिर बात करते हैं। आपको तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है मंदिर के बारे में, कौन थे, कहाँ से आए, क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, सब कुछ तो को मिल ही चुका होगा, और कैसा आना है आपको मालूम पड़ गया होगा। बहुत ही अच्छा जगह है, आप आके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया है, पहले तो देख के लगा था कि नहीं उतना अच्छा नहीं होगा, मगर मस्त है। चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, आप लोग तब तक वीडियो देखते रहिए। दोपहर का लंच लेने के बाद थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान बन गया, नज़दीक में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ के लिए निकल गए। और फ्रेंड्स, ब्रिज देखे कुछ आपको याद आ रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा। आपको एक हिंट देता हूँ, पबजी में यह ब्रिज है, ये पंचमुखी टेंपल है और अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से दिखा रहे हैं। जब आप आएंगे मंत्रालय ना, तब वहाँ से 30 किलोमीटर से ये पंचमुखी टेंपल, यहाँ पे भी आके दर्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेटिव भी था मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं कैसा था। आप लोग देखिए बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसा बना आज का व्लॉग। थोड़ा नया जैसा बनाने के लिए कोशिश किया, फिर आए घर के पास आ गया हूँ।
बच्चों के साथ आओगे तो क्या देखो भाई पाए ना बैलून फटे के लिए भाई पाए तो ऑलमोस्ट घर के पास आ गए तो मेरा ब्लॉग यही पे एंड करता हूँ बाय।